टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर और आइगन वेक्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यू के बारे में, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आइगन वैल्यू वीडियो देख सकते हो कि हम कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी आपके आइगन वैल्यू की तरह ही होते हैं। जहाँ तक आपने आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नाउ शुरू करते हैं। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? लेट ए वी एन इंटू एन स्क्वेयर मैट्रिक्स एंड एक्स वाई आर टू नॉन जीरो कॉलम्स वैक्टर सच दैट एक्स और वाई जो है वो टू नॉन जीरो कॉलम होने चाहिए आपके पास, है ना। तो वैसे ही जैसे हमने आइगन वैल्यू के टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वाई हो जाएगा, उस टाइम हमने दूसरी तरफ लिया था, एक ही बात है ना। तो वाई वन वाई टू वाई थ्री दिस इज़ मैट्रिक्स एन इंटू एन मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन, ठीक है। यहाँ पे आपका y और यहाँ पे आपका वाई एन आ जाएगा, है ना, ठीक है। सो ऑन वाई एन। नाउ आगे देखते हैं, y इक्वल टू ए एक्स एंड a क्या है आपका, a ट्रांसफॉर्म वेक्टर x टू वेक्टर y, ठीक है। द टू वेक्टर x एंड y हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हियर वी हैव टू डिटरमाइन दिस वेक्टर x हुज इमेज इज y एंड गिवन y, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू लैम्डा x, जैसे हमने वेक्टर्स के फॉर्म में आइगन वैल्यूज़ के फॉर्म में हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर आपका x है वो क्या है, इमेज है किसकी, y की इमेज है, क्लियर है। अब आपने यहाँ पे या प्लस टू में अभी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इमेज कैसे देखते हैं और आपके रैंक और डोमेन ऐसा करके होता है ना। तो यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने बस डायरेक्टली ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि आइगन वेक्टर्स क्या होता है तो आपने ये मैट्रिक्स बनानी है और इसके बाद ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू लेमडा एक्स, नाउ दिस इज क्रॉस्पॉन्डिंग टू ईच करेक्टरिस्टिक्स रूट लेमडा, ठीक है। अब आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स रूट लैम्डा है ना, और इसी लैम्डा को हम क्या बोलते थे, आइगन वैल्यू भी बोलते थे, है ना। तो कई बार करेक्टरिस्टिक्स रूट पूछा जाता है, कई बार आइगन वैल्यू पूछा जाता है ना। लैम्डा वी हैव द क्रॉस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और द नॉन जीरो वैक्टर एक्स इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक्स वैक्टर और आइगन वैक्टर, ठीक है। जो ये x की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, दिस इज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर होते हैं। अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि जो लैम्डा है वो आपका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यूज होता था, है ना। कैपिटल x यहाँ पे क्या है आपका, करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर और आइगन वेक्टर्स, क्लियर है। नाउ चलो प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टी है आपकी आइगन वेक्टर की, फर्स्ट है द आइगन वेक्टर एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक, ठीक है। सेकंड है आपके पास, इफ लैम्डा वन लैम्डा टू सो ऑन लैम्डा एन वी द डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एन एन इनटू एन मैट्रिक्स देन द क्रॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन फ्रॉम अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। अगर आइगन वैल्यू आपकी सबकी अलग अलग है, ठीक है, तो जो आपकी x1, x2 और सो ऑन xn जो भी आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे वो भी आपके क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों आपके पास थर्ड पॉइंट, इफ टू और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है, एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू द इक्वल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास आइगन वैल्यू जो है वो कई बार रिपीटेड भी आ जाती थी, है ना, जैसे टू टू फाइव थ्री थ्री फाइव ऐसा करके भी आ जाती थी, है ना। तो उस केस में जो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है। फोर्थ है आपकी, द टू आइगन वैल्यूज एक्स वन एंड एक्स टू आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। दो आपके पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे, नॉट वैल्यू, ठीक है, तो आइगन
वेक्टर्स एक्स वन एंड एक्स टू देख क्या होने चाहिए, आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए, है ना। जब हम दोनों जो वेक्टर्स हैं आपके आइगन वेक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास द आइगन वेक्टर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रॉस्पोंडिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी आपकी आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ एक और होता है आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि कोई भी एक वेक्टर है उसको आपने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, टू फाइंड द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी हम यहाँ पे हमने कोई एक वेक्टर लिया ए बी और सी, ठीक है, एक्स की फॉर्म में, दिस इज एक्स इक्वल टू ए बी एंड सी, एंड बी डिवाइड ईच एलिमेंट बाय स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। हमें क्या, हमने क्या करना है कि ये जो टर्म है आपके, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर देना है इसी के इन तीनों के स्क्वेयर अंडर रूट के साथ, पहले स्क्वेयर करना है, ठीक है, तीनों को, और उसके बाद अंडर रूट लगा देना है ना, स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर, दिस वेक्टर को अगर हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज़ वन अपॉन, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वन स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर, तो थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर हो गया आपका 16 प्लस 9 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, तो हर टर्म के नीचे लिखेंगे तो 1/26 3/26 एंड 4/26 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब बच्चों हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर्स एक होता है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू के ऊपर, दूसरा होता है रिपीटेड आइगन वैल्यू के ऊपर, है ना। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीटेड नहीं है तो उस केस में हमारे पास आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई दो वैल्यू जो है वो रिपीटेड है आइगन वैल्यूज़ की, ठीक है, तो उस केस में हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, है ना, चलो देखते हैं। तो बच्चों एग्जांपल है आपके पास फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है आपके पास ए इक्वल टू दिस इज -2 5 4 2 7 5 4 5 -2, ठीक है, और ये क्या है आपके पास फोर नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ठीक है। जब हम इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएंगी, नॉन रिपीटेड, यानी हर जो आइगन वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है। अब आपने बच्चों अगर इससे पहले हमारी आइगन वैल्यू के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें, ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि हमने आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, है ना। तो वहाँ तक हमारा जो स्टेप है वो सेम रहेगा, ठीक है, आइगन वैल्यूज तक, उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्लियर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें और समझना है तो बार बार देखें, है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, है ना। ये सारी टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होता था। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसको हम कैसे माइनस करते हैं ये भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, बताया था कि हम इसको कैसे कैसे माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 λ -5 4 5 7 λ 5 4 5 and -2 λ, ठीक है, इक्वल टू जीरो के बराबर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता था एक, अगर आपने इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी इक्वेशन आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तब भी आपकी सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, क्लियर। नाउ द फॉर्मूला इज बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट, यहाँ पे लेमडा स्क्वेयर प्लस सम ऑफ द डायगनल माइनस लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट, ठीक है। अब डायगनल एलिमेंट हमने आपको बताया था कि क्या होते हैं, दिज आर द डायगनल एलिमेंट, ठीक है, जो ये वाले हैं, है ना, इसको बोलते हैं डायगनल, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, +7 है और माइनस का 2 है, ठीक है। जब इनका हम सम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -4 + 7 यानी इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा, है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया था, सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स हमने किया तो ये हो गया -2 + 7 - 2 = 7 - 4 = 3, सेकेंड इक्वेशन पुट किया। वैसे ही सम ऑफ द डायगनल माइनस,
सॉरी सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स था, ओके सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे देखो सम ऑफ द डायगनल माइनर्स, तो सम ऑफ द डायगनल माइनर्स हमारे पास कैसे आएगा वो भी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जब आप किसी डायगनल का माइनर फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डायगनल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, जो हमारे पास टर्म बचती है, ठीक है, जो एलिमेंट बचते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। वैसे सेकेंड डायगनल है फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचते हैं उसको हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, है ना। वैसे ही थर्ड एलिमेंट है या थर्ड डायगनल है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, उसके बाद हम जो ये एलिमेंट बचे उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो वही बच्चों हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हम सेटिस्फाई आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ गया दिस इज 755-2, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया दिस इज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको विद नेगेटिव साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -14 -25 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 4 -16। वैसे ही यहाँ पे माइनस का 14 माइनस का 25, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज ये हो जाएगा -39, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -39। इसको हमने सबको सॉल्व किया तो ये हो गया -90, दैट्स इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली टर्म भी आ गई, ये वाली टर्म भी आ गई, अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, जैसे आप इक्वेशन देखोगे -2 टाइम, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद हमारे पास टर्म बचेगी 755-2। वैसे यहाँ पे 5 था तो आपको पता होता है कि यहाँ पे माइनस कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो 1 + 2 क्या हो जाता है, इक्वल टू 3 के बराबर होता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब 3 यानी ओड नंबर आए तो माइनस होता है, इवन नंबर आए तो प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो जाएगा आपका 5 5 4 -2, वैसे ही +4, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 7 4 एंड 5, क्लियर है। तो ये आ जाएगा -2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 -25, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -10 -20 +4, ये हो जाएगा 25 -28, क्लियर है। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -39, ठीक है, -5 और ये हो जाएगा -30 +4 -3, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और प्लस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -78, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 78, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा +150, यहाँ पे हो जाएगा आपका -12, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारे पास आ जाएगा दिस इज 216, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 216, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट हमने बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है ना, यानी ये जो सारी वैल्यू है बच्चों आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, क्लियर है, यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये सारी इक्वेशन 1 पे पुट करने के बाद, -3λ² -90λ -216 = 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब बच्चों हमने आपको बताया है कि आइगन जो वैल्यूज़ होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते थे यहाँ से, ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड हैं पर हमने ये मेथड यहाँ पे प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इन तीन टर्म में, ठीक है, ये जो तीन टर्म है आपकी, ठीक है, -3λ² -90λ -216, ठीक है, इनमें जो है सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, सबसे कॉमन नंबर है ना जो सबसे स्मॉलेस्ट भी हो, ठीक है, और इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, कॉमन नंबर है ना, तो 3 × 1 है, ठीक है, 3 × 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 × 72 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो 3 है या तो प्लस का या तो माइनस का एक रूट हमारे पास यहाँ पे आएगा आएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने माइनस के साथ पहले देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ पे किया प्लस लिया, तो यहाँ पे लैम्डा प्लस 3
ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा प्लस थ्री और लैम्डा माइनस थ्री, ये दो टर्म आनी थी आपकी, है ना। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो हमने यहाँ पे लैम्डा प्लस थ्री लिया, और ये थ्री कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से, ठीक है। इन तीनों में हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखा जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है ना। अगर आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है पता, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थ्री इंटू वन, ठीक है। यहाँ पर आपका थ्री इंटू थर्टी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, थ्री इंटू सेवेंटी टू। तो यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है ना। तो ये था आपका फैक्टर निकालने का, कैसे हम फैक्टर निकालते हैं ना, तो ये मेथड है। तो देखो यहाँ पे लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगी, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज लैम्डा क्यूब, ठीक है, प्लस सिक्स लैम्डा, ठीक है, लैम्डा क्यूब प्लस थ्री लैम्डा स्क्वेयर, ठीक है। थ्री लैम्डा स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, है ना, जो यहाँ पे आया हमारे पास थ्री लैम्डा स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब प्लस थ्री लैम्डा स्क्वेयर, ठीक है। बट हमें कितना चाहिए बच्चों, लैम्डा क्यूब तो सेटिस्फाई हो गया, हमें चाहिए माइनस का थ्री लैम्डा स्क्वेयर, है ना। तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, माइनस सिक्स लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने माइनस सिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का सिक्स लैम्डा स्क्वेयर, और हमारे पास पहले क्या था, प्लस थ्री लैम्डा स्क्वेयर। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस थ्री लैम्डा स्क्वेयर, तो ये वाली भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय थ्री, है ना। तो ये हो गया सिक्स, माइनस का सिक्स है, प्लस का थ्री है, तो माइनस एटीन लैम्डा, ठीक है। हमें कितना चाहिए बच्चों, हमें चाहिए नाइन्टी, माइनस का नाइनटीन लैम्डा, है ना। तो एटीन लैम्डा हमारे पास है, तो हमें और कितना चाहिए, सेवेंटी टू लैम्डा, है ना। तो हम नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है उसको सेवेंटी टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 72 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, और हम लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 72 लैम्डा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस 90 लैम्डा। क्लियर है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये जो माइनस 72 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो जैसे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया माइनस 216 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इतनी सी आपकी जो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस थ्री कॉमन है तीनों में, हमारे पास अंदर क्या बचा, लैम्डा स्क्वेयर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस 72 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा प्लस थ्री एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वेयर माइनस 12 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे 72 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या एरिया, लैम्डा हमने कॉमन लिया तो अंदर बच गया लैम्डा माइनस 12, यहाँ पे 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 12, और ये इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, है ना। यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चों, यहाँ पे लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 6 और लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, माइनस 6 और प्लस 12, ठीक है। तो ये बच्चों जो लैम्डा होता है वो क्या होती है, होती है हमारी आइगन वैल्यू होती है ना, क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। नाउ द मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर द आइगन वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइगन वेक्टर का, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आपने ये मैट्रिक्स लिखनी है ए माइनस लैम्डा आई, उसमें मल्टीप्लाई एक्स कर देना है और इक्वल टू ज़ीरो कर देना है, ठीक है। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में भी ये जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ पे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो बच्चों मैट्रिक्स आपकी ये होती है, जब किसी ब्रैकेट के अंदर हम कोई टर्म लिखते हैं, जो ये मैट्रिक्स होती है ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ये ध्यान रखना है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस लैम्डा फाइव फोर फाइव सेवन माइनस लैम्डा फाइव फोर फाइव एंड माइनस टू माइनस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे हो जाएगा जीरो जीरो एंड जीरो। इसको हमने क्या किया है बच्चों, इक्वेशन नंबर फाइव पुट कर दिया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। पहली बार हम थ्री पुट करेंगे, सेकेंड टाइम हम सिक्स पुट करेंगे, थर्ड टाइम हम माइनस का ट्वेल्व पुट करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, माइनस का थ्री, माइनस का सिक्स और प्लस का ट्वेल्व है, ये ध्यान रखना है ना, मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा की जगह माइनस थ्री पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम माइनस सिक्स पुट करेंगे लैम्डा की जगह, लास्ट बार हम क्या करेंगे,
12 पुट करेंगे, क्लियर है। तो बच्चों हम फर्स्ट वन जो लैम्डा है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑन पुटिंग लैम्डा इक्वल टू -3 इन 5, ठीक है। नाउ वी विल बिकम, तो हमारे पास बच्चों क्या बनता है यहाँ पे, जैसे हम लैम्डा की जगह -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लैम्डा की जगह -3 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है, लैम्डा कितना है हमारे पास, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। एक्स वाई जेड इक्वल टू यहाँ पे 0, 0 एंड 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपकी कॉलम एंड रो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पे, ये हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस 5 वाई प्लस 4 जेड इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, सेकेंड आपके पास 5x प्लस 10y प्लस 5z इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म जो आपकी इक्वेशंस होंगी उनको लेंगे, है ना। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं आपकी वहाँ पे इक्वल आ जाती है ना, दोनों आपकी जो टर्म है वो इक्वल आ गई, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म वहाँ से लेंगे यहाँ पे, है ना। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन होगी उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कोई दो आपने इक्वेशंस यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दो इक्वेशंस ली, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को रहने देंगे, क्लियर है। अगर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेम आ रही है, ठीक है, सेम कांस्टेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आ रहे हैं, तो आपने सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर रूल एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज, मान लो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो हमारा रूल क्या बोलता है, क्रैमर रूल, दिस इज एक्स अपॉन, जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है आपने बच्चों, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको आपने अपनी उंगली से मतलब मिटा देना है या माइंड से हटा देना है, ठीक है। अब आपने देखना है कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड जेड, उनका आपने डिटर्मिनेंट लिखना है ना डिवाइड में, तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई और जेड का आपने क्या करना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी वन, जेड क्या है, सी वन, बी टू एंड सी टू, ठीक है। वैसे ही विद नेगेटिव साइन, माइनस के साथ, जैसे आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपने वाई वाली टर्म को आपने उंगली से मिटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जेड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ए वन, सी वन, ए टू एंड सी टू, ठीक है। वैसे ही जब जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज जेड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है, ए वन, बी वन, ए टू एंड बी टू, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशंस थी, ये आपने फॉर्मूला लगाना है ना। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, दिस इज एक्स अपॉन 5, 4, 10, 5, ठीक है। जैसे आप जो आपने इक्वेशंस ली थी टू, उसको आप और इस फॉर्मूले को आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी यहाँ पे, है ना। ये माइनस वाई अपॉन, दिस इज 1, 5, 4, 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जेड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 5, 5, 10, क्लियर है। इसको आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है 2×2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो ये जगह एक्स अपॉन 25 माइनस 40 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका जेड अपॉन 10 माइनस 25, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन माइनस 15, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन माइनस 15, और ये हो जाएगा जेड अपॉन माइनस 15, क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15, ठीक है। अब ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हर टर्म को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी माइनस 15 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने माइनस 15 के साथ इन हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका माइनस 15 से माइनस 15 यानी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 15 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। और यहाँ पे माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास 1 माइनस 1 और
यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, क्लियर है। माइनस का 15 है, तो ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस 15 के साथ करना है, ताकि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, वन आ जाए, क्लियर है। तो बच्चों जो हमारे पास जो फर्स्ट आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दिस इज एक्स वन इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, या एक्स वन वाई वन जेड वन भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वन माइनस वन एंड वन, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्या आया, फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर या करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, ठीक है। अब सिमिलरली आपने वैसे ही, जैसे ये वाला आइगन वेक्टर आपने फाइंड आउट किया, वैसे ही आपने नेक्स्ट जो आपके पास दो आइगन वैल्यू है उस पर भी आपने सेम केस पे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम देखते हैं, आप प्रैक्टिस करना, अगर किसी के किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वह हमें कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेकंड है आपके पास आइगन वेक्टर क्रॉस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -6 पुट इन इक्वेशन नंबर 5 एंड बिकम, ठीक है। जैसे हम -6 लैम्डा की जगह -6 इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज 4 5 4 5 13 5 4 5 एंड 4, ठीक है। एक्स वाई जेड यहाँ पे 0 0 एंड 0, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने टॉप टू, ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग की दो इक्वेशंस हैं वो लेनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिस इज 4x + 5y + 4z = 0, 5x + 13y + 5z = 0, ठीक है। वैसे ही जब आप क्रैमर रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो वैसे ही आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स अपॉन, अब यहाँ पे बच्चों देखो एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वाई और जेड के कोएफिशिएंट देखेंगे, और उसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिखना है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई और जेड का कोएफिशिएंट, तो 5 4 13 एंड 5, क्लियर है, मतलब समझ आ रहा है ना, ठीक है। वैसे ही माइनस वाई अपॉन, अब डिटर्मिनेंट ऑफ आपने एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई 4 4 5 एंड 5, ठीक है, दिस इज 4 4 5 एंड 5, क्लियर है। वैसे आपने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 5 एंड 13, ठीक है, 4 5 5 एंड 13, एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसके आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट आपको इसलिए पता है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज एक्स अपॉन 25 - 52, यहाँ पे -5 अपॉन 20 - 20, यहाँ पे आपके पास जेड अपॉन 55 - 20 55 - 25, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस का 27, ठीक है, -y अपॉन 0 20 20 0 हो जाएगा, है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, थर्ड है जेड अपॉन 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 27 के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे 27 कॉमन है, यहाँ पे 27 कॉमन है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 - 27 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 27 के साथ, ठीक है। जैसे हम इसको 27 के साथ डिवाइड कर देंगे बच्चों, या मल्टीप्लाई कर देंगे -27 के साथ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे -27 के साथ, तब भी आपके पास एक्स इक्वल टू वन, एक्स डिवाइडेड बाई वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 27 के साथ, ठीक है, तो आपको वाई के टर्म चाहिए, तो 0 अपॉन 27 हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है ना, ये समझ गए, ठीक है। तो कॉमन आया तो हमने लिखा यहाँ पे 1 0 एंड -1, ठीक है, क्योंकि -0 और +0, ठीक है, जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई साइन नहीं लगता है ना। तो ये आपका सेकेंड आइगन वेक्टर्स आ गया, x2 = x, y और z, यहाँ पे 1 0 और -1, क्लियर है। सिमिलरली जैसे हमने दो आइगन वेक्टर्स बच्चों फाइंड आउट किए, वैसे ही आपने जो थर्ड वन है उसको भी आपने वैसे ही फाइंड आउट करना है। वहाँ पे क्या करना है, आपने लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, -12 पुट करनी है, है ना। तो देखते हैं वो केस क्या बनता है आपका। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पे आइगन वेक्टर क्रॉस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 12 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो बच्चों हमारे पास आता है यहाँ पे -14 5 4, इक्वेशन नंबर 5 चेक करना आप, है ना, जो आपने पहले लिखी है ना, 5 - 5 एंड 5 4 5 एंड -14, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे 0 0 एंड 0, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और स्टार्टिंग की दो इक्वेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वैसे ही हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बताया आपको, जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने वाई और जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लिखना है, जब आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स और जेड की जो कोएफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट लिखना है,
वैसे ही आपने जब जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने एक्स और वाई के कोफिशेंट्स को डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 4, -5 एंड 5, यहाँ पे हो जाएगा -y अपॉन -14, 4, 5, 5 डिटर्मिनेंट, जेड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ -14, 5, 5 एंड -5, क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा यहाँ पे एक्स अपॉन 25 + 20 -y अपॉन -70 + -20 जेड अपॉन 70 - 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 45 = -y अपॉन -90, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जेड अपॉन 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कौन आ रहा है कॉमन, 45 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक्स अपॉन 1, y अपॉन 2, जेड अपॉन 1 आ जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे 45 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन आ रहा है तो आपको पता है, ठीक है, क्या करना है आपने, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों जो हमारे पास लास्ट आइगन वेक्टर आया आपके पास वो हो जाएगा x3 = xyz, यहाँ पे 1, 2 एंड 1, ठीक है। तो ये जो था ये आपका क्या है, थर्ड आइगन वेक्टर था, है ना। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया आइगन वेक्टर्स क्या होता है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, साथ में हमने नॉर्मलाइज्ड ऑफ वेक्टर कैसे हम उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, और आज हमने आइगन वेक्टर का जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू पे हम कैसे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। बच्चों बहुत मुश्किल होता है कि हम पहले राइट डाउन करें और उसके बाद आपको एक एक स्टेप समझाएं, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स की वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।